नमस्कार, साहित्य तब के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अंकुर वारिकू की पुस्तक मेक इपिक मनी के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, इसका हिंदी अनुवाद हुआ है, लेकिन अनुवादक का नाम आवरण चित्र पर नहीं है। मैं बार बार प्रकाशकों से यह कहता हूँ कि जिस भाषा में पुस्तक का प्रकाशन हो अनुवादक को उसका श्रेय दिया जाए। मेक एपिक मनी का अनुवाद जो है देश के जाने माने लेखक कवि अनुवादक गीत चतुर्वेदी ने किया है। गीत चतुर्वेदी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। अंकुर वारिकू जो है वह एक उद्यमी के रूप में उनकी अपनी एक पहचान बनी है, लेकिन उद्यमी ऐसा जो कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट क्रिएशन से उन्होंने पैसा कमाया। और अपनी पहली किताब जो दिसंबर 2021 में छपी उनकी डू एपिक्सिट, उसके बहुत तेज़ी से चर्चित हुए। दूसरी किताब उनकी गेट एपिक्सिट डन थी, वह भी बेस्ट सेलर रही। अंकुर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने प्रबंधन की डिग्री हासिल की है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएस किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी फिजिक्स। स्कॉलरशिप पे विदेश गए थे और उनका यह मानना था कि दरअसल जो व्यक्ति है वह पैसा किस तरह से कमा सकता है या नहीं कमा सकता है यह उसे बताया नहीं जाता है। अंकुर का कहना है कि जब वो छोटे होते हैं या उनकी तरह के जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं उनको बराबर ये सिखाया जाता है कि तुम अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई इसलिए करो ताकि तुमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारा जीवन यापन ठीक ठाक ढंग से गुजर जाएगा। उसके बाद हद से हद यह समझाया जाता है कि तुम अपना घर। उनका कहना है कि 50 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी ने घर बनाया और उसके बाद जो हालात बदले, उन हालातों में जिस तरह के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, उसने इस बात को सोचने के लिए विवश किया कि आखिर जो लोग पैसा कमाते हैं वह दरअसल करते क्या हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ये पुस्तक जब वो लिख रहे हैं तो वो केवल यह बताना चाहते हैं अपने पाठकों को कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में जिया और जो कुछ समझा 40 वर्ष की उम्र के बाद, उनको लगता है कि पीछे अगर वो 20 साल की उम्र में होते तो क्या करते, 20 साल के अंकुर को क्या करना चाहिए। यह पुस्तक दरअसल उसी सोच का हिस्सा है। उनका कहना है कि ना तो मैं इस विषय का विशेषज्ञ हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ना कोई आर्थिक मेरा इतिहास रहा है, लेकिन मैं यह जानता हूँ अपने अनुभवों से कि मैं यह बता सकता हूँ कि अगर आज मैं 20 साल का होता और मुझे यह समझ होती जो इस उम्र में है तो मैं क्या क्या करता। यह पुस्तक दरअसल इसीलिए खास बनाती है क्योंकि अंकुर इसमें बचत क्या है, निवेश क्या है, पैसे को पैसा कैसे बढ़ाता है। उनका कहना है कि दरअसल जब आप नौकरी कर रहे होते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं तो आप अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा कमा रहे होते हैं। आपका जो पूरा समय और दिमाग है वह उस नौकरी में चला जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नौकरी छोड़ दें, लेकिन आपको इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि पैसा पैसे को कमाए। उनका कहना है कि इस संसार में जो भी बड़ा व्यक्ति है वह अपने पैसे से पैसा कमा रहा है, वह खुद पैसा नहीं कमा रहा है। तो खुद काम करने की आपकी अपनी क्षमताएं हैं। तो उनका कहना है कि दरअसल ये किताब वो जो है 20 और 30 की दहाई वाले जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए। अंकुर ने अपने अनुभव से बताया कि किस तरह से उन्होंने नौकरी की, उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू किया, उसके बाद वो जब डूब गए उस स्टार्टअप में, यहाँ तक स्थिति आ गई कि अपना घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं था और जीवन के संघर्ष आते रहे अपने पिता से, तो उनको लगा कि ये जो भूल भुलैया है पैसे के प्रबंधन की वह दरअसल
उससे दूर होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ये दरअसल जो लोग ये कहते हैं कि मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका कहना है कि ये बहुत बार लोग कहते हैं कि पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते। यह बात ठीक है कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आप निश्चित रूप से सुखी नहीं हैं। यह बात अंकुर का कहना है कि ये आपको समझ लेनी चाहिए, और यही वो वजह है कि आपको पैसों की चिंता करनी चाहिए कि पैसा आपके लिए खुशियां खरीद कर नहीं ला सकता। ये डेनियल काहनमन का कहना था, लेकिन पैसों का अभाव आपके लिए दुख जरूर खरीद लाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपकी जेब में पैसा नहीं। ये बहुत छोटी सी बात है रोजमर्रा की जिंदगी में, आप आजमा कर देख लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको कहीं जाना है, आप क्या करें, आपके जीवन में क्या कुछ घटेगा। उनका कहना है कि दरअसल जिस आदमी ने ये पैसा बनाया, इसके इतिहास से शुरू करते हैं कि आखिर ये पैसे का लेन देन किस तरह से शुरू हुआ होगा, आलू के बदले आलू या आलू के बदले अंडा, इस तरह के उदाहरणों के साथ। मतलब एक तरह से बदकही के अंदाज में उन्होंने ये बात लिखी है, और उनका कहना है कि आप उस बात की कल्पना करिए, ऐसे जीवन को कौन सा व्यक्ति नहीं चाहता कि वह अपने हिसाब से उठे, कोई अलार्म उसको जगाए नहीं, अपने मन का काम करे, अपने सुकून की जगह पर रहे, पूरी दुनिया में घूमे, जो मन करे खाए पिए। ये कब कर सकते हो आप? जब आप पैसे को समझो। वो बताते हैं कि दरअसल यह किताब लिखने का उद्देश्य यह है कि लोगों के पास ज्ञान तो है, बुद्धि तो है, जानकारी तो है, लेकिन आर्थिक तौर पर साक्षरता नहीं। यानी आप पैसा कमाते हो लेकिन यह जानते ही नहीं हो कि इस पैसे का क्या करें। अगर आप बैंक में रखते हो, उसका भी उदाहरण देते हैं वो, कि अगर आप बैंक में रखते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो आपको यही नहीं पता है कि बचत क्या होता है, निवेश क्या होता है, पैसे को पैसा कैसे कमाए। जो बचा रहे हैं उससे कुछ आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप पैसा बचा रहे हैं वो 10 साल बाद उसकी कीमत उससे भी कम हो जाएगी जितना आपने आज जमा किया। तो करें क्या? एक उदाहरण देते हैं वो कि दरअसल आपको कुछ बातें समझनी चाहिए, और ख़ासकर कोविड जैसी महामारी ने यह समझ दी कि आपके पास कोई ना कोई सुरक्षा का आवरण होना चाहिए, यानी आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, कर्ज में डूबने से भी बचना चाहिए। एक्स्ट्रा सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि हम आखिर क्या करें। जैसे अगर आपकी जिम्मेदारी आपके माता पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके भाई बंधु हैं, या आपकी जिम्मेदारी अपनी है, तो क्या करें। और महंगाई की जो दर है उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि महंगाई जो बढ़ रही है उससे कैसे रखें, भविष्य की योजनाएं कैसे बनाएं, आँख मूंद के ना करें, लालच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत तेज़ी से पैसा कमाने के चक्कर में आपने जो है पैसे कहीं जमा कर दिए और वो पैसा नहीं। एक और बड़ी बात कहते हैं अंकुर इस किताब में, वो ये बताते हैं कि दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी संपत्ति आपका वाकई धन है और कौन सी संपत्ति बोझ। यहाँ वो उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े घर बना देते हैं, किराए पर घर, लोन पर घर ले लेते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि जो आपने लोन लिया है, अगर 50 लाख का लोन लिया है तो 20 साल में आप 1 करोड़ रुपए, 58 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे, और 1 करोड़ 20 साल तक आप उसकी किस्त देते देते तब तक उस घर का मूल्य क्या हो जाएगा। गाड़ी का उदाहरण देते हैं कि लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, आप गाड़ी शोरूम से बाहर लेके आइए और वापस बेचने जाइए, 10% उसका मूल्य, तो ये संपत्ति नहीं। आपको लायबिलिटी क्या है, आपके ऊपर क्या बोझ है और क्या संपत्ति है, इसकी भी जानकारी रखनी पड़ेगी। बहुत ही स्पष्ट ढंग से वो कहते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में भी अगर आपने निवेश करना शुरू कर दिया तो आप एक अच्छा पैसा जमा कर सकते हैं। वो इसका एक बाकायदा उदाहरण देते हैं कि दरअसल आपको अपना खर्च कैसे करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो इस किताब को पढ़ने के साथ, मेक एपिक मनी को पढ़ने के साथ आपको यह जानना चाहिए कि जो टिप्स है वो टिप्स क्या है। आप कुछ भी रुपया कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, अंकुर कहते हैं कि आपको अपने पैसे को बजट काटने के बाद अपनी आय को इस ढंग से विभाजित करना चाहिए। वो विभाजन क्या है? 50% आपको बुनियादी ज़रूरत के लिए खर्च करना चाहिए,
बुनियादी ज़रूरत आपकी क्या है? खाना, किराया, आना जाना, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, कपड़ा, ज़रूरी सेवाएं, जिनका सब्सक्रिप्शन आपके पास है, मान लीजिए 30% आपको अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च करना चाहिए और 20% जो है वह आपको निश्चित रूप से बचत करके निवेश करना चाहिए, ना कि बचत बैंक में नहीं रखना चाहिए, निवेश में डालना चाहिए। वो कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कि इसको भी ये मत सोचिए कि ये फिक्स है कि 50 आप जो ज़रूरत पर खर्च करेंगे 30 पसंद पर और 20 उस पर। वो कहते हैं अगर आपका पैसा बढ़ता है, मान लीजिए आप नौकरी में इंक्रीमेंट करते हैं या व्यवसाय है, व्यवसाय बढ़ता है, तो जो भी पैसा बढ़े उसका परिणाम आपको बदलना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2000 रुपये आपका इंक्रीमेंट होता है, तो आपको पहले ही जो ज़रूरत का है, यानी जो 10000 रुपये पर पहले 20000 पर आप खर्च कर रहे थे 50, उसकी जगह पर अब उसको पलट दीजिए। 20000 जो इंक्रीमेंट हुआ उसका 20%, यानी 2000 रुपया बढ़ा तो उसका 20% आप जो है ज़रूरत पर बढ़ाइए, क्योंकि उनका कहना है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं बढ़ी, महंगाई भले बढ़ गई। सब्जी ऐसा नहीं कि आप एक पाव खरीदते थे तो 2 किलो खरीदने लगेंगे, पैसा बढ़ जाएगा 10 साल में। तो उनका कहना है कि यहाँ पर आप जो पैसा बढ़ता है उसका 20% ज़रूरत पर खर्च करिए, 30% चाहत पर और बचत का प्रतिशत बढ़ा दीजिए, यानी जो भी इंक्रीमेंट हो उसका 50% पैसा निवेश में डालिए। यानी यहाँ वो उलट देते हैं, पूरी किताब जो है ऐसी ही टिप्स से भरी है। यहाँ वो किराए के मकान पर रहिए या मकान पर लोन लीजिए, मकान मालिक बनिए, उसका भी उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि किस तरह से आपको इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, खासकर वो इंश्योरेंस जो आपको टर्म्स इंश्योरेंस होता है। वो कहते हैं कि आपको PPF में पैसे क्यों जमा करने चाहिए, तो और पैसे का विभाजन, मतलब बचत, निवेश और इंश्योरेंस, इनका विभाजन कैसा होना चाहिए ये भी वो लिखते हैं। अपने पैसों का उचित प्रबंधन कैसे हो, इस तरह से बहुत सारी टिप्स के साथ उन्होंने जो अलग अलग अध्याय हैं इस पुस्तक में, पहले ही मुझे पैसों की चिंता आखिर क्यों करनी चाहिए वो बताते हैं क्या कारण है। अब मैं सच में कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ तो कैसे कमाएं ये बताते हैं, ताकि मैं उसे समझदारी से खर्च कर सकूं। लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे बचत करनी चाहिए और पैसे का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, जबकि मैं तो चाहता हूँ कि अपने पैसों में इजाफा करूँ और अपने पैसों का उचित प्रबंधन करूँ। मुझे पता है मैं गलतियाँ करूँगा, जहाँ तक मैं इन बातों को समझता रहा हूँ। और आखिरी बात वो कहते हैं कि इन सब के बीच आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो किताब है ये दरअसल मेरी जो अपने अनुभव हैं जीवन की वो लिखते हैं। वो उन्होंने 2003 की घटना दी है, जब इनके माता पिताजी ने 50 की उम्र में, मैंने पहले ही बताया कि लोन लिया था, 2 दशक तक किराए के मकान में रहे थे, उसके बाद वो थक चुके थे। उन्होंने जो है बहुत छोटी सी रकम से लिया, लेकिन वो भारी भरकम ब्याज पर लिया क्योंकि उस उम्र में उनको लोन मिल नहीं रहा था। वो लोन चुकाने से चूक गए, जो काम कर रहे थे वो काम डूबने लगा। ये उस समय अमेरिका में थे, स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप पे गए थे, भूखे रहते थे, उस समय पैसा बचाते थे डॉलर में और कोशिश करते थे कि ये पैसा किसी तरह से हमारे घर के काम आए। एक दिन इनके पिताजी का फ़ोन आया और रोते हुए उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। उसके बाद अंकुर का दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने अपने पिताजी को आश्वासन दिया, वो पैसे भी दिए, लेकिन उसके बाद इनके दिमाग में पैसे को लेकर नफरत हो गई कि आखिर ये पैसा क्या है, इस पैसे के चलते हमारा यह समय आया। उसके बाद उनको लगा कि मैं पैसे को महत्व नहीं दूंगा और उससे उन्होंने अपनी स्थिति वही कर ली जो उनके पिताजी की स्थिति सन 2003 में थी। मार्च 2019 में 39-40 साल की उम्र में इनको लगा कि मैं जो है मैं खुद भी डूब गया। स्टार्टअप खोलने के बाद भी जब सब कुछ डूब गया, ये बेरोजगार हो गए, इनके पास पैसे नहीं थे, आय का कोई साधन नहीं था, तब इनको लगा कि मैं अब क्या करूँ। तो इन्होंने कॉरपोरेट टॉक देना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि आखिर वो क्या करें, और इस तरह से कुछ पैसे आने शुरू हो गए और फिर इनका जीवन बदला। उनका कहना है कि ये बहुत निजी मुद्दा है, पैसे बचाना, पैसे कमाना, आप कुछ टिप्स जानिए। उनका कहना है, यहाँ पे उन्होंने कुछ टिप्स दिया है जो अपने लिए चिट्ठी लिखी है,
उसमें उन चिट्ठी में जो मूल वाक्य है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। वो कह रहे हैं, पैसों के साथ तुम्हारा एक रिश्ता है, सबका होता है, भले ही तुम यह सोचते हो कि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा, चूँकि तुम पैसों की तंगी में बड़े हुए हो, इसलिए इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ तुम्हारे साथ ज़रूर होगी। वो अपने को चिट्ठी लिख रहे हैं जो बता रहे हैं, अपना पूरा जीवन पैसे से दूर भागते हुए गुजारोगे या अपना पूरा जीवन पैसों के परे जाकर गुजारोगे, ये आपको सोचना है। उनका कहना है कि पैसों का पीछा करना कभी खत्म नहीं होता, ये एक अनंत दौड़ है और इससे तनाव होता है। जो हासिल कर लेता है उसे नाज होता है, लेकिन जो हासिल नहीं करता उसे बेचैनी होती है, और बाद में आपको लगता है कि इससे जो है हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे। लेकिन पैसे से खुशियाँ वाकई नहीं खरीद सकते, ये ध्यान रखो। पैसा तुम्हें बदलेगा नहीं, लेकिन वह तुम्हें बता देता है कि तुम क्या हो। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन पैसा संभालना अलग बात है। अमीर होने का अर्थ समृद्ध होना नहीं होता, ये आपको जानना पड़ेगा। और पैसे से नफरत मत करो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा लगता है कि निर्णय लेने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, लेकिन सही बात यह है कि आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी फैसला लेने के लिए निर्णय की साहस की नहीं, पैसों की ज़रूरत होती है। आधुनिक दौर में अगर आप हो तो कोई भी अगर आपको नौकरी की छोड़नी है, घर खरीदना है, घर नहीं खरीदना है, किराए के मकान में रहना है, गाड़ी खरीदनी है, कहीं जाना है नहीं जाना है, तो ये सब कहते हैं हम कि साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। दरअसल जेब में पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अंकुर ये कहते हैं, उनका कहना है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि 20 साल की उम्र में अगर आप ये बात समझ जाते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बीच में आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि स्टेटस बनाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये जो दौड़ है स्टेटस सिंबल जो कहते हैं कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, उनको ये बचना चाहिए इन स्थितियों से, क्योंकि उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। ये एक ऐसी दौड़ है जो अंतहीन है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपसे बड़ी गाड़ी वाला आपके बगल में रेड लाइट पर खड़ा मिल सकता है। पैसा तुम्हारे रिश्तों से बड़ा नहीं है, पैसा तुम्हारे प्यार से भी बड़ा नहीं है। यह बात अवश्य आप जानें, इस बात का बहुत अर्थ है। और आपके पास अगर पैसा कम है तो आप इससे गरीब नहीं हो जाते, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो हर साल 3 लाख रुपए कमाता है लेकिन उसे खुश रहने के लिए केवल 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसकी तुलना में जो हर साल 10 लाख कमाता है लेकिन उसे खुश रहने के लिए 20 लाख की ज़रूरत है, तो 3 लाख वाले की तुलना में 10 लाख वाला आदमी गरीब है। क्यों? क्योंकि वो 3 लाख की जगह 2 लाख कमा रहा है, 1 लाख की ज़रूरत है वो खुश है, दूसरा 10 लाख की ज़रूरत है दुखी है। तो उनका कहना है कि खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट मत समझो। बचत करना मुश्किल है लेकिन कंगाल होकर जीना उससे भी मुश्किल है, ये बात जानो। निवेश के बारे में सीखना मुश्किल है लेकिन बुरे निवेश का दर्द सहना उससे भी मुश्किल है। कर्ज चुकाना मुश्किल है लेकिन कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज भरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। कौन सी मुश्किल तुम अपने लिए चुनोगे यह जरूर जानो। और इन सब के बीच यह आपको ज़रूर जानना चाहिए कि समय चाहे जितना खराब हो, एक कोना हमेशा ऐसा होता है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होता है। बस आपको उस कोने को खोजने की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि मेक एपिक मनी किस तरह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अंकुर वारिकू को उनकी सफलता के लिए और इस पुस्तक के लिए बधाई। यह पुस्तक कोई तकनीकी शब्द जाल नहीं है, उनके अपने जीवन से जो उन्होंने समझा है उसको उन्होंने लिखा है। बाकायदा उन्होंने इस पर अस्वीकरण भी लिखा है। उनका कहना है कि ये किताब किसी भी तरह से आपको निवेश या आर्थिक विषयों की जानकारी नहीं देती। एक व्यक्ति ने जो भुगता उसने आपको लिखा है, बताने की कोशिश की है, सतर्क करने की कोशिश की है। जो भी निवेश करें अपने जोखिमों पर करें, अपनी समझ से करें। अब हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उस हिसाब से इसको देखें। गीत चतुर्वेदी ने बहुत ही बेहतरीन अनुवाद किया है, गीत को भी मैं बधाई दूंगा इसके लिए। पेंगमिन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है पेंगविन स्वदेश के तहत।
250 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 326। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।